हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर से एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ हम आ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी के साथ एक बार फिर से हम आपके लिए आ चुके हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, पूरी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट मिलती रहे आपको, ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़, तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें दोस्तों। यदि आपने ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं किया है दोस्तों, तो आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट नहीं मिल पाएगी। हमारे चैनल से सभी वीडियो की अपडेट पाने के लिए दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वैकेंसी की पूरी डिटेल जानेंगे। डिटेल यहाँ पर हम देंगे दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है। तो वैकेंसी जो होने वाली है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एलाइड साइंस IHBAS से होने वाली है। IHBAS से वैकेंसी है दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जो है आपकी दिल्ली से होने वाली है और बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी यहां पर होने वाली है दोस्तों। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वैकेंसी बिल्कुल परमानेंट है, सैलरी भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पर होने वाली है। तो पोस्ट यहाँ जो होने वाली है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, मात्र एक पोस्ट यहाँ पर होने वाली है, लेकिन सैलरी आपकी अच्छी खासी यहाँ पर रहने वाली है। रेगुलर बेसिस पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल रेगुलर बेसिस पोस्ट होने वाली है। इसके साथ ही आपकी सैलरी जो है 1 लाख के अबव रहने वाली है, 1 लाख के अबव सो आपकी जो है सैलरी रहेगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई के लिए कैसे अप्लाई करना है, आगे हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है होने वाला है दोस्तों। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है फुल फिलअप कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको कहां पर सेंड करना है वो भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। फीस क्या रहने वाली है या नहीं रहने वाली है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्रिक नर्स, यहाँ पर 41 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। MSc नर्सिंग यहाँ पर आपका मांगा गया है, साइकेट्रिक नर्सिंग में है तो आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि साइकेट्रिक नर्सिंग का हो। डिज़ायरेबल आपका जो है क्वालिफिकेशन है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म बताया था मैंने, वो आपको फुलफिलअप कर लेना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है सेंड कर देना है। सेंड के लिए एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दोस्तों आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको जो है सेंड करना होगा। फीस यहाँ पर कोई फीस नहीं रहने वाली है और रेगुलर बेसिस आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी नोटिफिकेशन हम इस पर शेयर करते हैं। ये नोटिफिकेशन शेयर किया हुआ है 20 जनवरी का, यानी कि कल का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी नोटिफिकेशन हम शेयर करते रहते हैं दोस्तों। 142 यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है, तो उसके वीडियो के लिंक भी हम यहाँ शेयर करते हैं। इनकेस आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है यूट्यूब से, तो आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं वीडियोज़ का। तो दोस्तों, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।